हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट। सो कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। आज की इस वाली वीडियो में आप सभी के लिए कुछ इस टाइप की क्रिएटिव फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ, जो कि आप सब इजीली एंड काफ़ी कम टाइम में कर सकते हो। एंड हमेशा की तरह मैं यहाँ पे जो भी यूज़ करूँगा इस फोटो एडिटिंग के लिए बैकग्राउंड एंड पीएनजी, उसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लेना। तो चल फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को इस नॉर्मल से बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेना, एंड इसके बाद फिर आप सभी को ऐड फोटो में आना एंड डायरेक्ट यहां से अपने फोटो को ऐड कर लेना। एंड उसके बाद फिर आप सब अपने फोटो को ये नॉर्मल से बैकग्राउंड के ऊपर परफेक्टली यहां पे एडजस्ट करते हुए सेट कर लेना। एंड आप जैसे परफेक्ट सेट कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप सभी को साइड में लेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लेयर पर इधर क्लिक करना एंड अपने इस फोटो को आप डुप्लीकेट बना लेना। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप सभी क्या करोगे कि इस डुप्लीकेट फोटो को आप फ्लिप कर लेना, ओके। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे परफेक्टली फिर नीचे साइड ला के सेट कर देना आप, ओके गाइस। एंड मूव डाउन करना फिर, एंड उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो आप रिफ्लेक्शन बनाए हो इसका आप ओपेसिटी कम कर देना। तो ओपेसिटी अमाउंट आप सभी को रखना 25, परफेक्ट, ओके गाइस। एंड इसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पे डन करके निकल जाना है, ओके। तो ये हो गया। एंड इसके बाद आप सभी को फिर से ऐड फोटो में आना एंड यहाँ से आप सभी को फ्लाइंग फिश की पीएनजी को ऐड करना। तो हम ऐड कर लेते हैं एंड इसके काफ़ी साइज को आप सभी को इंक्रीज करना है। एंड इस तरीके से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लेना इसके सेट शोल्डर के, एंड उससे पहले आप इस फिश का एक डुप्लीकेट बना लेना। एंड डुप्लीकेट बनाकर आप इसे ऐड कर लेना। एंड उसके बाद आप इस तरीके से परफेक्टली इसे सेट कर लोगे। तो सेट करने के बाद फिर क्या करोगे, इरेज वाले ऑप्शन में चले आना, हार्डनेस फुल कर देना, साइज को अपने हिसाब से रखना। एंड जो फिश का लास्ट पोजिशन जो है वो आपके हेड के ऊपर आ जाएगा, हेड पर ही आप सभी को रखना है। तो आप उसे यहाँ पर इरेज करते हुए परफेक्टली इस तरीके से कर लेना, ओके। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट इस तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद आपने जो डुप्लीकेट बनाना है, बनाया एक फिश, तो आप डुप्लीकेट फिश को लाना। एंड लाने के बाद आप इसे पहले तो रोटेट कर लेना, ओके। मैं यहाँ पे फ्लिप कर लेता हूँ इसे, सही है। एंड उसके बाद फिर आपको इस तरीके से नीचे की साइड में इसे सेट करना है। एंड वही फिर आप सभी को जो इसका लास्ट पोजिशन जो आ गया आपके बॉडी के ऊपर, तो आप उसे इरेज करके अपने बॉडी के पीछे कर लेना। इस तरीके से कर लेना आप सभी को दोनों फ्लाइंग फिश को सेट परफेक्टली। एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डन करना है एंड अपने इस फोटो को फिर यहाँ पे सेव करना है, ओके गाइस। उसके बाद आप अपने इस फोटो को लाइट रूम के अंदर लेके चले आना, ओपन कर लेना। एंड लाइट के अंदर चले आने के बाद आप सभी को कॉन्ट्रास्ट अमाउंट को इंक्रीज करना है 25 एंड कलर वाली ऑप्शन में चले आना। यहाँ पे सामने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपको मिक्स के अंदर चले आना। एंड यहाँ पे आपको जो कलर दिख रही है स्यान कलर, इसका सैचुरेशन को इंक्रीज करना 56 रखना इसके अमाउंट को। एंड ह्यू को आपको माइनस की तरफ रखना -56 एंड डन करके आपको मिक्स से निकल जाना। एंड गाइस इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना एंड यहाँ पे आपको क्लैरिटी को इंक्रीज करना एंड साथ में विग्नेट को माइनस की तरफ करना, ओके, परफेक्ट। एंड इफेक्ट से निकल जाना। एंड लास्ट आप सभी को सिलेक्टिव वाले ऑप्शन में आना, प्लस के बटन पे क्लिक करना, थर्ड नंबर वाले को लेना आपको एंड नीचे की साइड से ऐसा बनाने का। एंड लाइट वाले ऑप्शन में आने के बाद एक्सपोजर को माइनस की तरफ कर देने का, ओके। फिर आप सभी को प्लस के बटन पे क्लिक करना एंड सेकंड नंबर सर्कल को लेना आप सभी को, ओके। एक सेकंड, क्या हो गया, हेलो। एंड फिर फेस के ऊपर एक ऐसा सर्कल बनाने का एंड लाइट वाले ऑप्शन में आने का एंड यहाँ पे आपको एक्सपोजर को इंक्रीज कर देने का इस तरीके से। एंड कॉन्ट्रास्ट एंड कलर वाले ऑप्शन में टेम्परेचर के अमाउंट को 5 एंड डन करके आप निकल जाना। एंड आपका फाइनल फोटो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो बिफोर एंड आफ्टर थोड़ी सी रिटचिंग हुई है, बट काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आप सभी को इस तरीके से अपने फ़ोटो को इस टाइप से बनाना है, सो आप क्या ईजिली बना लोगे। एंड अभी आपके सामने दो और इंटरेस्टिंग कि किसी को भी देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है। मिलता हूँ आप सभी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।